नमस्कार दोस्तों, अर्डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक ब्रोकर अच्छा है, किससे आपको दूर रहना है, ये जानना बेहद जरूरी है। स्पेशली तब जब बड़े बड़े ब्रोकर जैसे कि कार्वे ऑनलाइन, बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स, वीराइज सिक्योरिटीज, फेयरवेल्थ अपने क्लाइंट्स का हाल ही के दिनों में काफी नुकसान कर चुके हैं। इस लिस्ट में हम आपको बताएंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NSE में कौन से ब्रोकर्स के पास कितने क्लाइंट्स हैं और उनमें कितने लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, ताकि आपको अंदेशा लगे कि ये स्टॉक ब्रोकर से आप दूर रहें तो अच्छा। इस लिस्ट में हमने उन 5 स्टॉक ब्रोकर्स को शामिल किया है जिनके पास कम से कम 5000 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है फायर सिक्योरिटी का, जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है, बेंगलोर से आता है और करीब 10,880 क्लाइंट्स हैं इनके पास एक्टिव लेवल पे। उनमें से करीब 16 लोगों ने शिकायत दर्ज की है, जो कि बनता है 0.14%। इंडस्ट्री का एवरेज इस समय चल रहा है 0.09%, स्पेशली तब जबकि कुछ ब्रोकर्स अभी ही बस्ट हुए हैं, तो 0.14 काफी बड़ा नंबर बन के सामने आता है। फायर सिक्योरिटीज हालांकि अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देने का क्लेम जरूर करता है, लेकिन क्या एक्चुअल में कर पाता है ये तो उनके क्लाइंट्स ही बता सकते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है एस्टर सिक्योरिटीज का। इस स्टॉक ब्रोकर्स के पास 6582 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। उनमें से 11 लोगों ने शिकायत की है, जो कि बनता है 0.16%। नोएडा से आता है ये स्टॉक ब्रोकर और विजडम कैपिटल नाम की ब्रांड भी चलाता है, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर के रूप में सामने आया है। इस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर को सबसे बड़ा पोजीशनिंग ये मिलता है कि वो सबसे ज़्यादा मार्जिन देता था। हालांकि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के अनुसार अब मार्जिन फैसिलिटी भी ओवरऑल स्ट्रीमलाइन हो रही है, तो ये देखना होगा कि आने के वाले दिनों में विजडम कैपिटल अपने आप को कैसे रिवाइव करता है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज का। बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकर है ये, इनफैक्ट पूरी की पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा ब्रोकर है ये इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स। 61,220 एक्टिव क्लाइंट्स हैं इनके पास। 100 लोगों ने शिकायत की है, जो कि बनता है 0.16%। अहमदाबाद का ये स्टॉक ब्रोकर फुल स्टॉक सर्विस स्टॉक ब्रोकर है और काफ़ी तरह की सर्विसेज जैसे कि ब्रोकरेज, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, रिसर्च, कस्टमर सर्विस, ऑफलाइन प्रेजेंस अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है, लेकिन शिकायतों के मामले में भी थोड़ा सा पीछे है और इसको काफ़ी प्रॉब्लम्स इनके क्लाइंट्स को फेस करनी पड़ रही हैं, ऐसा नंबर से लगता है। अगला इस लिस्ट में नाम आता है एलिस ब्लू का, जिनके पास करीब 25,738 क्लाइंट्स हैं और 53 लोगों ने शिकायत दर्ज की है। 0.20% इनका क्लाइंट कंप्लेंट परसेंटेज बनता है। बैंगलोर से स्टॉक ब्रोकर आता है और अपने आप को पोजीशन करता है कि ये अलग अलग लेवल पे हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को लो ब्रोकरेज पे। हालांकि इनके जो कंप्लेंट्स के नंबर हैं ये थोड़ा सा कोई और स्टोरी बयां करते हैं। विदाउट अ डाउट इस स्टॉक ब्रोकर को अपने कंप्लेंट परसेंटेज पे काम करना होगा। एलिस ब्लू ऐसा नाम है जो कि हमारे पिछले वीडियोज में भी शुमार हुआ है, तो सर्टेनली हिस्टोरिकल लेवल पे देखा जाए तो इसको इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है जिस ब्रोकर का नाम है वो है डील मनी सिक्योरिटीज। ये ब्रोकर डेस्टी मनी के नाम से भी जाना जाता है। 10,204 एक्टिव क्लाइंट्स हैं इनके पास। 75 लोगों ने कंप्लेंट दर्ज की है, जो कि बनता है 0.73%। थाने का ये स्टॉक ब्रोकर इतना बड़ा कंप्लेंट परसेंटेज कैसे रख सकता है? जैसे कि पहले बताया गया, कंप्लेंट परसेंटेज इंडस्ट्री का एवरेज 0.09% है, तो ये करीब 8 गुने से भी ज़्यादा कंप्लेंट परसेंटेज लेके बैठा है। तो ये बेहद पॉसिबल है कि आने वाले समय में इनके क्लाइंट्स को मुश्किल हो सकती है। तो अगर आप इसके या बाकी के जो ब्रोकर्स इस लिस्ट में बताए हैं इनके आप क्लाइंट हैं, तो आपको ये रिकमेंडेशन सजेशन ज़रूर देंगे हम कि आप अपने ब्रोकर से बात करें, अगर कोई दिक्कत है तो सॉल्व करें और एक बैकअप डीमैट अकाउंट भी रखें ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको अवगत करवाया जाए कि इस समय स्टॉक ब्रोकर्स की दुनिया में कौन से स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा शिकायतें लेके बैठे हैं और एज अ क्लाइंट आपको इनसे मुश्किल हो सकती है पॉसिबली। हालांकि हमारा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि ये स्टॉक ब्रोकर बंद होंगे,
लेकिन कंप्लेंट परसेंटेज के अनुसार ये काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो दोस्तों होपफुली इस वीडियो से आपने कुछ अच्छा सीखा हो। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता लगे, और अ डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।